नमस्कार दोस्तों, मेमोरी के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हम लोग पीआरटी के बैच में, और वहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे आज, होपफुली वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट। क्योंकि ऑनलाइन तो सेशन है नहीं, ऑनलाइन थे तो हम सबकी रेगुलर क्लास नहीं ले पाते थे, बट कोशिश ये रहेगी कि अब चाहे वो पीआरटी हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन का न्यू बैच हो, या फिर ईवीजीसी हो, या स्पेशल एजुकेशन का ओल्ड बैच हो, इन सभी की क्लास रेगुलर हम ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे आना नहीं है। पहले तक क्या होता था, जनरल बैच के साथ में कोऑर्डिनेशन में लेनी पड़ती थी वो क्लासेस, बट अब इन क्लासेस को हम आपकी सुविधा के अनुसार ले पाएंगे। रेगुलर तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ करके महात्मा बनने की बजाय, है ना। तो खैर, ये तो बड़ा मज़ेदार है, चलिए शुरुआत करते हैं। और हमने क्वेश्चन कर लिए थे कहाँ तक, ये भी देख लेते हैं एक बारी। ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। इन द गेम शो हु वांट्स टू बी बिलियनेयर, हाँ ये हो गया था, यस। सो नाउ वी आर हियर, और हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि हम शायद इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं जी, ताकि हमारी अप्रोच बेहतर हो जाए। बताना जरा, बहुत छोटा तो नहीं है, विजिबल है क्या? ये क्या हो रहा है भाई, और क्यों हो रहा है? विजिबल है क्या? तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, अब मेरे ख्याल में ठीक साइज होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। सेरा, सारा कैन रिमेंबर द नेम्स ऑफ द फर्स्ट टू पीपल शी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सारा एक पार्टी में गई थी जो कि टीशा की पार्टी थी, और उसमें जिन लोगों से मिली उनके नामों में से कुछ नाम को, दो लोगों को याद रख पाती है। शी कैन रिमेंबर द नेम ऑफ द लास्ट पर्सन सी मेट, वो केवल उन्हीं के नाम याद रख पाती है जो कि जिन्हें वो लास्ट में मिली थी। बट द नेम्स ऑफ द डजन और सो पीपल इन बिटवीन आर गॉन, लेकिन लगभग एक दर्जन और दूसरे लोग थे जो कि जिनको वो बीच में भूल गई। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है ध्यान से रखिए। फर्स्ट टू पीपल शी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, उन्हीं दो लोगों के नाम यहां याद जो कि जिन्हें वो पहले मिली, और या फिर लास्ट पर्सन जिन्हें वो मिली, लेकिन बीच में जो लोग थे उन सबको के नामों को वो भूल गई। अभी तो ठीक पढ़ा जा रहा होगा मेरे ख्याल में, अभी समस्या नहीं होगी।
तो ये क्या है? ए एनकोडिंग इफेक्ट, यानी एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी इफेक्ट, सीरियल पोजीशन इफेक्ट, टिप ऑफ द टंग, या क्या है ये, री इंटीग्रेटिव इफेक्ट। ठीक है, बताइए। हाँ, री बिल्कुल सही। यहां पे है कौन सा इफेक्ट आ रहा है? सीरियल पोजीशन इफेक्ट। सीरियल पोजीशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसमें जो सबसे शुरुआती इंफॉर्मेशन होती है और सबसे लास्ट में जो इंफॉर्मेशन होती है, आप इन्हें ऐसे याद करते हैं। तो यहां पे ये वाली इंफॉर्मेशन आपको याद रह जाती है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट, एंड ये याद रह जाती है बिकॉज ऑफ द रिसेंसी। तो बीच के जो नंबर हैं वो सीरियल पोजीशन की वजह से आप भूल जाते हैं। कोई इशू नहीं, ये हमारी गलती है सुनैना, क्योंकि हमने ये वाला जो पूरा टॉपिक है ना, अभी हमें डालने में लेट हो गया है क्योंकि एडिटिंग का काम होता था। बट मेरे ख्याल में एक या दो दिन में ना हम इन सारी चीज़ों को कर पाएंगे जो प्रीवियसली जो हमने पढ़ाए थे सेशन, जो कि एडिटिंग करने की ज़रूरत है, उनको हम डाल देंगे। तो उसके बाद में आप ये टॉपिक कवर कर पाएंगे। पर क्योंकि मेरे ख्याल में सेशन तो हमारे हुए ही थे तो इसलिए शायद आप तो कर पाएंगे। हाँ, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। दिस क्विज क्वेश्चन एज वेल एज द अदर क्विज क्वेश्चंस मेक यूज ऑफ विच फॉर्म ऑफ रिट्रीवल ऑफ मेमोरीज। ये जो क्विज चल रहा है या कोई और भी क्विज है, उसमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की बात चलती है, कौन सी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं आप? ए रिहर्सल, रीलर्निंग, रिकॉल या रिकॉग्निशन। देखिए, मेमोरी में कई प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है रिहर्सल मेमोरी, रिहर्स्ड मेमोरी, जिसका आप अभ्यास करते हैं, जिस पे अभ्यास का सिद्धांत लागू होता है। दूसरी होती है रीलर्निंग, तो आपने एक इंफॉर्मेशन याद की थी, उसके बाद में आपने दूसरी इंफॉर्मेशन याद की, आपने इसको रिप्लेस करके इसको सही इंफॉर्मेशन को याद कर लिया, दैट इज कॉल्ड रीलर्निंग। इसके बाद आता है रिकॉल। आपने प्रीवियसली आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली थी, जब उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड स्टिमुलस आया तो आपको वो इंफॉर्मेशन याद आ गई, दैट इज कॉल्ड रिकॉल। रिकॉग्निशन, सम नॉलेज यू हैव, आपके पास कुछ ज्ञान है और जैसे ही आपको जरूरत दिखी, नीड दिखी, वो चीज वापस आ गई आपके जहन से। जी जी, हाँ, यहां पे आंसर होगा रिकॉग्निशन। क्यों होगा रिकॉग्निशन? क्योंकि हम ये क्लियरली नहीं बोल सकते, अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो क्लियर कट तो हम रिकॉल मारेंगे। अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसमें बिल्कुल रटा हुआ या बिल्कुल तैयार की हुई इंफॉर्मेशन को आप वापस लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जब क्विज में आप कुछ लिखा हुआ देखते हैं तो उस लिखे हुए को मैच कर रहे हैं पुराने वाले से। रिकॉल कब होगा? जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें आप एक वर्ड को याद करके और फिर लिख रहे हैं। यहां पे क्या है, जो यहां दिया हुआ है वो आपके दिमाग में भी है, तो आप अपने दिमाग वाली इंफॉर्मेशन से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो ये होगा रिकॉग्निशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्लैशबल्ब मेमोरीज इज फॉल्स। फ्लैशबल्ब मेमोरी पे कुलिक का काम था। यहाँ पे दो केस स्टडीज की बात होती है फ्लैशबल्ब मेमोरी को रहकर के, वो जो दो केस स्टडीज हैं उनमें से एक केस स्टडी है JFK की, यानी जॉन कैनेडी, जो कि USA के राष्ट्रपति थे, और दूसरी जो मेमोरी है, दूसरी जो केस स्टडी है वो थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की डेथ को लेकर, क्योंकि उन लोगों को वो कितनी बेहतर तरीके से याद है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि
कि ये पूछ रहा है कि कौन सा इसके विषय में गलत है। अगर किसी को अगर समस्या हो इसमें तो वो क्या करेंगे, वो इस विषय पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनी हुई है फ्लैश मेमोरी पर, उसको देख लेंगे। क्लाउस्की का जो काम है वो ये है कि जो फ्लैश मेमोरी हो जाती है, क्लाउस्की ने कुलिक को के साथ कनेक्ट करके इसको ऑन को किया, तो उसने इस तरीके से किया कि जो फ्लैशबल्ब मेमोरी होती है वो विविड होती है। उसमें विविडनेस का लेवल क्या होता है इसको देखने के लिए, आई गेस जितना ध्यान है ठीक है। नहीं नहीं गलत नहीं है, निसर नहीं, अल्ब्रेच्ट निसर नहीं, नहीं अल्ब्रेच्ट निसर का नाम काम था कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग पे, और उसके अंदर वो ज़्यादा धूल का मानते थे एक्टिविटीज की। हाँ तो दे आर विविड एंड डिटेल्ड, बिल्कुल सही है। तो पहला एक नियम याद रखना है, दे आर विविड। दूसरा याद रखना है, दे आर डिटेल्ड। ये बिल्कुल सही है दोनों फैक्ट्स। तीसरा है, दे आर अनयूजुअली एक्यूरेट। चौथा है, दे कैन बी पर्सनल और कंसर्न टू वर्ल्ड इवेंट्स। बिल्कुल सही है, वर्ल्ड इवेंट्स यानी कि बड़ी इवेंट्स, लार्ज इवेंट्स की बात होती है इसके अंदर। एंड दे मे बी फॉर्म्ड, दे मे बी फॉर्म्ड बाय द हार्मोन्स रिलीज्ड एट द इमोशनल मोमेंट। याद रखिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके इमोशंस से कनेक्ट होती है। अब आपने ये याद कर लिया कि ये होती क्या है, बाकी जो बच गया वो नहीं होती है, यानी कि दे आर इनएक्यूरेट, इनमें एक्यूरेसी का अभाव होता है, और बताने वाले को लगता है जैसे कि उसने बिल्कुल वो मोमेंट उसको बिल्कुल सही उसी तरीके से याद है, तो उसके जहन में एक फॉल्स मेमोरी भी क्रिएट होती है फ्लैश बल्ब मेमोरी के रूप में, राइट। चलिए नेक्स्ट है, द फिनोमिनन ऑफ हिंडसाइट बायस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी रिट्रीवल डैश लॉन्ग टर्म मेमोरी रिट्रीवल। भाई दीर्घदर्श पूर्वाग्रह की घटना दीर्घ अवधि की स्मृति की पुनर्प्राप्ति के डैश का एक उदाहरण है। किसका किसका मतलब, देखिए एक होता है हिंडसाइट और दूसरा होता है फोरसाइट। हिंडसाइट यानी कि आपके पास्ट की जो हैपनिंग्स है उससे आप कनेक्ट करते हैं अपने अपने प्रेजेंट की हैपनिंग्स को। आप अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से कनेक्ट करते हैं, दैट इज हिंडसाइट बायस। आप अपने प्रेजेंट को अपने फ्यूचर से कनेक्ट करते हैं, दैट इज फोरसाइट बायस। तो अगर फ्यूचर को देख करके आप अगर अपनी गणना में समझ में गड़बड़ी करते हैं तो वो होता है फोरसाइट, अगर पास्ट को देख करके दैट इज हिंडसाइट। मिस इंफॉर्मेशन इफेक्ट, देखिए अगर मिस इंफॉर्मेशन इफेक्ट को अगर आपको पढ़ना हो, मुझे दो मिनट दे दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को करवा दूँ फिर आपको मिस इंफॉर्मेशन इफेक्ट करवाते हैं। अच्छा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो मज़ेदार है, फिर तो आप समझोगे, फिर तो कोई ताकत नहीं जो कि आपको समझने से रोक सकती है। सबसे पहले आता है इंस्टेंट रिप्ले व्यू। इंस्टेंट रिप्ले व्यू क्या होता है, होता ये है कि आप जब भी किसी सिमेंटिक्स में हैं या फिर आप इकोइक मेमोरी को क्रिएट कर रहे हैं, ये तो दोनों बात एक ही हो गई, या फिर आप आइकॉन को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि कोई सामने दृश्य है या कोई शब्द कहे गए तो वो शब्द या दृश्य तुरंत आपके जहन में दोबारा से रिपीट होते हैं। ये जो दोबारा उसी वक्त रिपीट होते हैं इसको बोलते हैं इंस्टेंट रिप्ले व्यू। दूसरा आता है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग व्यू। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग व्यू यानी कि अगर हम साधारण रूप में देखें कि थिंकिंग कितने प्रकार की होती है, तो एक होती है कन्वर्जेंट और दूसरी होती है डाइवर्जेंट। तो आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर
चीज को दूसरी चीज से जोड़ते हैं, उसको तीसरी से जोड़ते हैं, उसको चौथी से जोड़ते हैं, और इस तरीके से आपका एक स्कीमा बन रहा होता है। इसके लिए आपको अपनी पास्ट की जो नॉलेज है वो काम आती है, यानी कि जो आप क्या कहेंगे इसको, आप एसिमिलेशन कर रहे होते हैं। तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। जब आप इससे हट करके, यानी आप हट कर सोचते हैं, तो आप रिफ्लेक्ट नहीं करते बल्कि आप क्रिएट कर रहे होते हैं, और ये जो क्रिएट कर रहे होते हैं इससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग आती है। तो कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव के बीच का अंतर इतना ही हुआ कि कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग जो होती है वो आपकी नॉलेज से नई नॉलेज को या दूसरी नॉलेज को कनेक्ट करके होती है, कंस्ट्रक्ट करके होती है। तो आप एक बिल्डिंग बना देते हैं, यहाँ पे होता है कि आप एक जिस रास्ते पे ज़्यादातर लोग चल चुके हैं, आप उसकी बजाय एक नया रास्ता हट करके बनाने की तरफ जाते हैं, दैट इज डाइवर्जेंट। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, कंस्ट्रक्टिव व्यू की बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग होती है रचनात्मक, यानी कि जो आपकी जो पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ करके आप नई चीजों को जोड़ते हैं। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थियरी, हमारा LTM और STM में अलग अलग लेवल की प्रोसेसिंग होती है, जिसके के अंदर आप सिमेंटिक्स यानी कि जो भाषाई चीजें होती हैं, या फिर यानी इकोइक इंफॉर्मेशन होती है, या आइकॉनिक इंफॉर्मेशन होती है, या प्रोसीड्रल होती है, इसको अलग अलग लेवल पे प्रोसेस करते हैं, दैट इज प्रोसेसिंग, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। और एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, इसको इसके ऊपर आते हैं, व्हाट इज मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट इज समटाइम्स, तीन शब्द याद करवा रहा हूं उसको याद रखिएगा, एक तो है समटाइम्स कभी कभी, दूसरा इफेक्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका प्रभाव बना रहे, तो आप क्या करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन को, उस वक्त आपका दिमाग एक कोई भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है उस जगह पे फिट होने के लिए, और आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन को छोड़ देते हैं जो इंफॉर्मेशन बहुत प्रभावी होती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली उसका कोई अपना एक वजूद नहीं है, तो उसके वो एक रॉन्ग फैक्ट है, लेकिन वो रॉन्ग फैक्ट आपके जहन में जाकर के और एक सही होने की फीलिंग को क्रिएट कर देता है, दैट इज कॉल्ड मिस इंफॉर्मेशन इफेक्ट। अभी दिख रहा होगा, अभी ठीक से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, अब आपको समझ में आ चुका होगा कब हम हिंसाइट में जा रहे हैं, जब हम अवेलेबल इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन से जोड़ रहे हैं, यानी कि हम कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग व्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे बी, है ना, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। जॉय वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अ नंबर ऑफ न्यू पीपल ऑन हिज फर्स्ट डे एट हिज न्यू जॉब, अकॉर्डिंग टू एबिनहॉस व्हेन शुड जॉय एक्सपेक्ट टू हैव फॉरगॉटन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द नेम्स ही हैज जस्ट लर्न्ड। आपको और हमें दोनों को ही पता है कि हरमन एबिनहॉस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने की मेमोरी पर एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था, और उन्होंने जिस चीज के बारे में बात की थी वो था फॉरगेटिंग कर्व। हम चीजों को भूलते क्यों हैं, कैसे हैं, कब हैं, इस पे खास करके काम था। तो जब हम चीजों को भूलते हैं तो उसकी दर क्या होती है, अब इस पे हरमन एबिनहॉस का कहना था कि लगभग आप अपनी जो इंफॉर्मेशन आपने ली है, और अगर आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा रिहर्स नहीं कर रहे हैं, अभी तक आपने कोई मेथड नहीं लगाया उसको मेमोराइज करने का, इन दैट केस आप पहले घंटे में
80% इंफॉर्मेशन भूल जाएंगे विद इन द फर्स्ट आवर आफ्टर द लर्निंग द नेम्स. तो आप क्या करेंगे, आप लगभग 80% नाम पहले एक घंटे में भूल जाएंगे विद इन द फर्स्ट डे, नियर द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक और नियर द मिडिल ऑफ द फर्स्ट वीक ऑन द जॉब. तो अब आपसे बोला गया कि आप एक वीक में, एक दिन में या उसी समय, तो याद रखेंगे आप, ये होगा आंसर आपका ए, यानी कि विद इन द फर्स्ट आवर आफ्टर लर्निंग द नेम्स. आपने जैसे ही वो नाम सुने आप पहले ही घंटे में 80% लोगों के नाम भूल जाएंगे. When the first hour, हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो जो पहला घंटा है उसी के अंदर उसने कहा कि कभी कभी हम वेरी करते हैं, तो ये 1 hour to 2 hour मेमोरी का जो ग्रहण करने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है. तो 1 से 2 hour में अगर आप प्रॉपर रिहर्स नहीं कर रहे तो ज्यादातर नाम भूल जाए, कोई तरीका नहीं लगा रहे. तो नहीं कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं होता भाई, अपने अपने समय है. लैक ऑफ रिहर्सल कांट बी कंसोलिडेटेड फ्रॉम एसटीएम टू एलटीएम ड्यू टू लैक ऑफ ड्रिल और प्रैक्टिस. हाँ हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने ड्रिल या प्रैक्टिस की है तब तो आप पूरी जिंदगी भी उसे याद रख सकते हैं, पर अगर आपने अपने यूजुअली जनरल लाइफ में जो चीजें आप ग्रहण करते हैं इसके लिए उन्होंने नॉनसेंस सिलेबल का इस्तेमाल किया. नॉनसेंस सिलेबल जो कनेक्ट नहीं होते, कनेक्शन करना यानी कहीं ना कहीं रिहर्सल का एक तरीका लगाना. तो बिना कोई रिहर्सल का तरीका लगाए हुए तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास में सिर्फ 80% इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके पास में पहले घंटे में रहेगी, उसके बाद आप उसे भूल जाएंगे. ऐसा कहना था हरमन एबिनहॉस का. ठीक जी, when a person forgets what someone has just said because he was not paying attention to the speaker at all, it is an example of dash explanation of forgetting. ek banda hai wo bhul gaya jo use abhi abhi kaha gaya, isi waqt kuch kaha gaya tha wo bhul gaya. ab excuse me. तो ये एक एग्जाम्पल है कौन से एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरगेटिंग का, यानी किस प्रकार की भूल है ये, किस प्रकार से आप इस भूल को एक्सप्लेन करेंगे. इंटरफेरेंस, मेमोरी ट्रेस, एनकोडिंग फेलियर या रिप्रेशन. अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं. हस्तक्षेप, मान लीजिए आसपास शोर हो रहा था, नॉइज थी. नॉइज तो एक इंटरफेरेंस होता है. दूसरा इंटरफेरेंस आपके आसपास चवन्नी अठन्नी जमा है जो बीच बीच में कह रही है, या फिर आप ले तो इन्फॉर्मेशन रहे हैं परंतु वो जो व्यक्ति है उसका उसकी आभा, उसका प्रभाव, उसका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, आप उसके बहुत बड़े फैन हैं, तो आपको फिर इन्फॉर्मेशन याद नहीं रह रही क्योंकि आपका ध्यान किसी और जगह पर. मेमोरी ट्रेस, कोई भी मेमोरी होती है वो अपनी छाप छोड़ देती है, तो वो जो छाप होती है उसका मतलब क्या होता है, ये एलटीएम से आती है दोस्तों, याद रखना आप लोग. एलटीएम में कोई मेमोरी खत्म हो जाती है पर फिर भी वो अपना मेमोरी ट्रेस छोड़ देती है, तो बाद में उसको जिसे आप लोग मेमोरी, जब आप लर्निंग पढ़ते हैं तो आप स्पॉन्टेनियस रिकवरी के रूप में समझते हैं, तो वो जो कंडीशनिंग है उसकी एक छाप बचती. इसके बाद आता है एक रिप्रेशन है, रिप्रेशन यानी दमन होना. बहुत बढ़िया, सारी जो जनता है वो पढ़ी लिखी है. हाँ, सबसे कम ज्ञानी मैं ही लग रहा हूँ, मैं यहाँ समझाने में लगा हूँ, तुम लोगों ने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो, दमन, रिप्रेशन, जब आप किसी कॉन्शियस, से इंफॉर्मेशन को अनकॉन्सियस में धकेल देते हैं, फिर अनकॉन्सियस उसे खींचे रखना चाहता है और वो कॉन्सियस में नहीं आने देना चाहता, दिस इज कॉल्ड रिप्रेशन. कोई एक मेमोरी है, नेगेटिव मेमोरी है, एलटीएम में है,
LTM से वो कहाँ चली गई, आपके अनकॉन्शियस में चली गई, लेकिन वो जो अनकॉन्शियस है वो उसे बाहर नहीं आने देना चाहता, दिस इज कॉल्ड रिप्रेशन। देखिए जब भी हम मेमोरी ट्रेस की बात करते हैं तो एनग्रामिक एक्सप्रेशंस होते हैं, एनग्रामिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो हमें उस पर्टिकुलर इको से या उस पर्टिकुलर आइकॉन से कनेक्टेड रखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये वो क्लूज, वो ये वो क्यूज या ये वो हिंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम उन मेमोरीज से जुड़े हुए रहते हैं, टूटेंगे कब तक, जब तक कि वो अनकॉन्शियस में ले जा करके उसको ख़त्म नहीं कर देते मेमोरी को तब तक। हाँ तो यहाँ पे होगा एनकोडिंग फेलियर, क्योंकि हम उसको एनकोड ही नहीं कर पाए, तो ये हमारी विफलता को दर्शाएगा। ठीक जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियति टुक सोशियोलॉजी इन द फर्स्ट सेमेस्टर एंड इज नाउ टेकिंग साइकोलॉजी। तो पहले उसने लिया सोशियोलॉजी और फिर लिया साइकोलॉजी। सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर। अब साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स बड़े सिमिलर हैं। एंड नियति फाइंड्स दैट सी हैज टू ट्रबल रिकॉलिंग सम ऑफ द मेजर सोशियोलॉजी थियरिस्ट। अब वो सोशियोलॉजी के बहुत से ऐसे थियरिस्ट हैं जिनको वो याद नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, तो शी कीप्स गेटिंग देम कन्फ्यूज विद साइकोलॉजी थियरिस्ट। अब वो साइकोलॉजी थियरिस्ट से उसे कन्फ्यूज कर रही है। नियति प्रॉब्लम इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू, अब नियति की प्रॉब्लम जो है एक मिनट में आते हैं आपके क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कनेक्शन ध्यान रखना है। अब जो सोशियोलॉजी के थियरिस्ट हैं वो गायब हो गए, लेकिन जो साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजी का जो पढ़ना था वो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी में बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है। हमें बताना है कि यहाँ पे क्या है, क्या ये एनकोडिंग फेलियर है, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, या नन ऑफ द अबव, बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुनैना। हाँ बिल्कुल सूर्यकांत, बिल्कुल गलत है भाई। राहुल चौधरी आप भी गलत ही बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो लोग बोल रहे हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस वो सही बोल पा रहे हैं, और जो लोग बोल रहे हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, कैसे होगा प्रोएक्टिव बताओ जरा, कैसे होगा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस बताओ जरा, मैं आपको पेज नंबर बता दूं उसके बाद में। पेज नंबर है दोस्तों 122, हमारी वाली जो किताब है उसमें 122 नंबर पेज है। सही है निशा, बी होगा आंसर। सानिया आपका आंसर ठीक है और आपकी एक्सप्लेनेशन गलत है। पेज नंबर 122, पहले सभी लोग इसको देखो, ये सबसे मुश्किल चीज है मेमोरी में एक तरीके से। पहले तो ये ध्यान रखो, हमेशा यहाँ पे ध्यान रखो, जो पहले वाला है उसे कहेंगे रेट्रो
और जो बाद वाला है उसे कहेंगे प्रो। याद रहेगा? चलो अब ध्यान से समझो, अगर टेस्ट इसका हो रहा है और ये बाधा उत्पन्न कर रहा है तो रेट्रो को एक्टिव होने में इंटरफेयर कर रहा है साइकोलॉजी। याद रखिएगा, रेट्रो यानी सोशियोलॉजी को एक्टिव होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है साइकोलॉजी। नहीं आचल चौधरी, कंफ्लिक्ट को भूल जाइए, इंटरफेरेंस को याद रखिए। और कैसे याद रखेंगे? रेट्रो, हमें चाहिए कि रेट्रो एक्टिव हो जाए। याद रखेंगे, एक्टिव जोड़ दीजिए इसके साथ में, हमें चाहिए कि रेट्रो एक्टिव हो जाए, बट इंटरफेयर क्या कर रहा है? साइकोलॉजी। हमें चाहिए कि प्रो एक्टिव हो जाए, पर इंटरफेयर क्या कर रहा है? अब पढ़िए, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यानी आप साइकोलॉजी का टेस्ट ठीक से नहीं दे पा रहे। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि आप सोशियोलॉजी का टेस्ट ठीक से नहीं दे पा रहे। मैंने समझाया था लैंग्वेज के केस में कि अगर आपने पहले सीखी हुई है हिंदी और अब आप सीख रहे हैं अंग्रेजी, और जब आप हिंदी का टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको हिंदी में याद नहीं आ रहे, तो यानी कि आप तो चाहते हैं कि रेट्रोएक्टिव हो जाए लेकिन इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही है इंग्लिश, तो इसे कहेंगे रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। जिसे आप एक्टिव करना चाहते हैं उससे जोड़ करके नाम बताएं हमेशा, जिसे आप एक्टिव करना चाहते हैं उससे जोड़ करके बताएं। बाद में आपने इंग्लिश सीखी थी, आप इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हैं पर आपको शब्द याद आ रहे हैं हिंदी में, तो ये होगा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। आप बाद वाली जो सीखी गई है उसको एक्टिव करना चाह रहे हैं लेकिन वो एक्टिव हो नहीं पा रही क्योंकि इंटरफेयर क्रिएट कर रही है पहले वाली, तो जिसे आप एक्टिव कर रहे हैं उससे जोड़ करके इंटरफेरेंस का आंसर दीजिए हमेशा, राइट? यानी जिसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है उसको एक्टिव करना चाह रहे हैं आप, इसलिए उससे जोड़ करके आंसर दीजिए। सभी को क्लियर है? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बहुत बार आंसर आप गलत मारते हैं इसमें, सो मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आप ऐसे कर कैसे, एक मिनट, ऐसे कर कैसे थम्स अप वाला थम्स दिखाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे, ये तो बहुत बुरी बात है कि तुम लोग अच्छा प्रो का मतलब पुराना होता है, ठीक है यार तुम ऐसे समझ लो, क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा लैंग्वेज वाला टीचर हूं, अब मैं इसको लेकर के तुमसे युद्ध थोड़ी करूंगा। हाँ हाँ, तुम्हें जिसको जो समझना है उसको समझ लो, क्योंकि ये मनोविज्ञान है, ये इंग्लिश या मैथ्स तो है नहीं यहाँ पे, तो आप चलो मैं बताता हूँ एक बहुत मजेदार चीज बताता हूँ एहसान, ये केवल मेरी क्लास में पॉसिबल है। देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, एक बार आंसर लिखना जरा इसका, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, सभी लोग देख रहे हैं, आंसर लिखना बच्चों जरा इसका। ये मेरी कक्षा में पॉसिबल है जो होने वाला है, इतनी देर में सूर्यकांत का बात पढ़ लूं जरा, जैसे एक्टिव कर, जिसे एक्टिव करना चाहते हैं और वो एक्टिव ना हो पाए तो वही वाली इंटरफेरेंस होगी, दैट इज सोशियोलॉजी को एक्टिव करना है और हो नहीं पा रहे तो रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस। बिल्कुल सही, हाँ सूर्यकांत बिल्कुल सही आंसर है। तो मोहम्मद एहसान ये साइकोलॉजी है दोस्त, यहाँ पे आंचल चौधरी तुम्हारा आंसर गलत है नहीं मतलब आंचल चौधरी का भी आंसर सही है, मैं बस यही कहना चाह रहा हूं दैट
हाँ नूपुर बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे सही और गलत जो है ना कुछ होता नहीं है, तो तुम्हें अगर जैसे याद करना है तुम वैसे याद कर लो यार, रेट्रो को अगर तुम्हें नया करना है और प्रो को पुराना करना है तो वैसे कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और तुम ये भी कह सकते हो कि यार ऑनलाइन ये पढ़ा रहा था, दो और दो का अर्थ पूछा इसने और आधी जनता पाँच बता रही है, वो भी सही था, और बाकी जो बता रही थी चार बता रही थी वो भी सही था, मैंने तो कुछ भी आंसर देने के लिए नहीं कहा, है ना। तो देखो मेरी कक्षा में भाई दो और दो पाँच भी होते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट मैथमेटिक्स क्लास। तो यहाँ पे आंसर होगा रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए मजेदार, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। राजू वेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर ही ग्रीव अप टू इंग्लैंड। राजू यूनाइटेड स्टेट्स से गया इंग्लैंड। द फर्स्ट वीक ही वॉज देयर, पहले वीक वो वहां पे था। ही हैड ए टेरिबल टाइम रिमेम्बरिंग टू ड्राइव ऑन द लेफ्ट, बड़ा मुश्किल हुआ उसके लिए लेफ्ट साइड में ड्राइव करना, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हिज प्रॉब्लम वॉज मोस्ट लाइकली ड्यू टू, अब ध्यान से समझो, यही तो मजा है अभिषेक जी, दो और दो पांच होते हैं साइकोलॉजी में, कैसे होते हैं ये बड़ा बहुत बड़ा फंडा नहीं है, पर हाँ होते हैं। तो देखो है ना मजेदार, इसको छोड़ दो, वी डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन कैसे होते हैं दो और दो पांच, लेकिन ठीक है। राजू वेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर ही ग्रीव अप टू इंग्लैंड, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था और फिर वो इंग्लैंड चला गया। द फर्स्ट वीक ही वॉज देयर, पहले वीक में ही हैड ए टेरिबल टाइम रिमेम्बरिंग टू ड्राइव, उसको ड्राइव करने में बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड हिज प्रॉब्लम वॉज मोस्ट लाइकली ड्यू टू, अब क्या हुआ, लेफ्ट साइड और राइट साइड समझ में आता होगा, कुछ कंट्रीज में लेफ्ट साइड में ड्राइविंग होती है, कुछ में राइट साइड में होती है ड्राइविंग। तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में राइट साइड में ड्राइविंग होती है, और हमारे यहाँ पे क्या होता है या इंग्लैंड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में ड्राइविंग होती है। तो प्रॉब्लम होगी भाई चलाने वाले को, तो उसने अपने पूरे जीवन तो सीखी थी राइट साइड ड्राइविंग, अब वो कर रहा था लेफ्ट साइड ड्राइविंग, तो उसे एनकोडिंग फेलियर है, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, या नन ऑफ द अबव है, आपको आंसर बताना है। हाँ जी, हाँ, द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, गुड वन, गुड गेस्ट आउट, इट्स गुड गेस्ट आउट, मजेदार। सपना मेरी ना मतलब मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं हुई है अभी, तो इसलिए समस्या हो रही है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा धीमा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आपने सिस्टम का आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो इन अ गुड टाइम्स मैं जब यहाँ पे खड़े होके पढ़ाता हूँ तो राष्ट्रपति भवन तक भी आवाज़ चली जाती है, पर क्या करें, अब प्रताड़ना है आपको और हमें थोड़ी थोड़ी झेलनी है, पर काम तो करना ही है। राहुल क्या हो रहा है भाई, क्यों कर रहा है ऐसे, क्या आंसर है ये, हाउ कैन इट बी रेट्रोएक्टिव, पता नहीं जी कौन सा नशा कर रहे हैं ये लोग, अब इसको तू रेट्रोएक्टिव कैसे लिख देगा भाई, जरा बताइए मुझे, कमाल कर दिया यार। अबे भाई वो इंग्लैंड में जा, इंग्लैंड में लेफ्ट साइड ड्राइविंग है, उस लेफ्ट साइड ड्राइविंग को उसने सीख तो रहा, लेकिन अब वो करने के लिए उसकी प्रो एक्टिव करने के लिए इंटरफेरेंस हो रहा है पुरानी मेमोरी से, तो ये तो बिल्कुल ही अजीब है यार। अभिषेक जांगीड़ भाई, मनोविज्ञान के विद्यार्थी नहीं हो क्या, अरिस्टोटल ने क्या कहा है, होल इज ऑलवेज लार्जर देन पार्ट्स ऑफ सम ऑफ इट्स पार्ट, इसी को तो वर्डहाइमर ने भी डिफाइन किया था, पूरा का पूरा गेस्टाल्ट तो इसी पे आधारित है, दैट होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। डोंट डू दिस यार, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होगा, छोड़ो यार, तुम लोगों ने तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक ही दिन में कैसे रजाई में मुंह दे करके आंसर कर रहे हो क्या तुम लोग,
राहुल इस आंसर को ठीक कर दे, बाय गॉड मुझे गुस्सा आ जाएगा अभी। नहीं कहां हो तुम लोग, सो नेक्स्ट इज कविता इज, अबे यार तुम्हारी तरह से ही ना ये बोर्ड भी हो रहा है। कहा है कविता, ये भी नीचे। कविता इज ट्राइंग टू होल्ड द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कविता इज ट्राइंग टू होल्ड द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स शी जस्ट मेट इन हर साइकोलॉजी क्लास इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। अकॉर्डिंग टू स्टडीज दीज शॉर्ट टर्म मेमोरीज विल बी स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। मजेदार क्वेश्चन है। कविता जो है वो अपनी कक्षा में बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, ऐसा सही है। थोड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ होल एंड पार्ट में बचना होगा। ठीक है ठीक है। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई। इसमें देखो ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो कविता उन छात्रों का नामों को याद करने की कोशिश कर रही है जो वह अल्पकालिक स्मृति में अपने मनोविज्ञान वर्ग में जमा करना चाहती थी। तो अध्ययनों के मुताबिक, अगर अध्ययनों की बात करें तो वो उसके मेमोरी के कौन से हिस्से में स्टोर होगा बताएं। एक क्वेश्चन और लेंगे बस इसके बाद में, बाकी कल करेंगे। राहुल अगली बार तुमने ऐसी गलती की ना बाइक कॉर्डिंग उसमें गुस्सा आ जाएगा। सर सूर्यकांत बढ़िया आंसर है। सेरेबेलम, हिपोकैम्पस, एमिग्डाला या प्रीफ्रंटल लोब। देखो जब भी हिपोकैम्पस और एमिग्डाला आए तो आंसर हमेशा LTM के आसपास का होगा। LTM ही होगा या प्रोसेसिंग मेमोरी होगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होगा या प्रीफ्रंटल लोब होगा ऑप्शन, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप शॉर्ट टर्म में उस मेमोरी को अल्पकालिक स्मृति में आप ले जाना चाह रहे हैं, स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वहां पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होगा या प्रीफ्रंटल लोब होगा आंसर, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सुनैना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या होगा, हिपोकैम्पस जब भी होगा तो वो प्रोसेसिंग के लिए होगा। एमिग्डाला जो होगा, एमिग्डाला यानी थैलम, जिसके अंदर सारे जाकर के स्टोर हो जाएंगे इमोशंस के साथ में। वर्किंग मेमोरी फ्रंटल लोब, बहुत बढ़िया। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक। मेमोरी कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, स्मृति को सबसे बढ़िया तरीके से कैसे डिफाइन किया जा सकता है। अ सीरीज ऑफ स्टोरेज बिन्स और बॉक्सेस, अ प्रोसेस ऑफ स्टोरेज, एन एक्टिव सिस्टम दैट एनकोड्स, स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन, अ सीरीज ऑफ पैसिव डेटा फाइल्स। देखो एक सीरीज ऑफ पैसिव डेटा फाइल्स के रूप में बताया एविन हॉस ने। ए प्रोसेस ऑफ स्टोरेज, ये है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थियोरी। अ सीरीज ऑफ स्टोरेज एंड बिन एंड बॉक्सेस, योगी एटकिंसन एंड योर फ्रेंड। बट मेमोरी को जैसे आपको समझना है वो इस तरीके से समझना है, एंड एक्टिव सिस्टम दैट एनकोड्स, स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन। इसमें सारे प्रकार की चीजें आ जाती हैं, जो आपको एनकोडिंग भी कर रहा है, जो स्टोर भी कर रहा है और जो रिट्रीव भी कर रहा है। आंसर होगा इसका सी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस स्मॉल सेशन। और इसे 3 दिन रखने की बजाय हमने इसको 6 दिन कर दिया, मतलब 5 दिन कर दिया। मंडे टू फ्राइडे आपकी सारी क्लासेस होंगी, जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी मंडे टू फ्राइडे होंगी, रोज होंगे। 45 मिनट से लेकर के 1 आवर का सेशन एवरी डे, हर एक सेशन, ठीक है, ताकि हम थोड़ा थोड़ा रोज कर पाए, बजाय इसके कि एक साथ सारा का सारा कर लें, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों अगला सेशन हम लोग 5-7 मिनट थोड़ा सा देर कर लें, लेकिन
आई एम जस्ट अवेलेबल, जैसे मैंने कहा अब 3 दिन नहीं होगी क्लास, अब रेगुलर होगी। बातलात क्या करें? नुपुर कौन सी भाषा है बेटा? कोई कूट समझा रहे हो क्या? धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी की क्लासेस रेगुलर होंगी, जरा खुश होकर के एक बार ऐसे करके ऐसे वाला चेहरा बनाओ ताकि मुझे अच्छा भी लगे। हाँ, अब जो 3 दिन होती थी उसका कुछ तो बेनिफिट लें जब आपको आना नहीं पड़ रहा, तो अब वो 6 दिन 5 दिन कर दी है क्लासेस, है ना? कोई नहीं, हिंदी भी लिखी हुई है। और मैं देखो, मैं क्वेश्चन तो आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करूँगा नहीं, ये तो बुक के क्वेश्चन है इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगली क्लास में फिर हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी पीआरटी में, और क्योंकि स्पेशल के 2 बैचेस चल रहे हैं अब उन दोनों की क्लास होनी है। अरे वाह, गुड, कोलगेट किए हो, दांत नज़र आ रहे हैं। हाँ, स्पेशल की भी, स्पेशल की भी रोज होगी। हाँ, पुराने वाले स्पेशल की भी और नए वाले स्पेशल की भी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। वो कह रहे हैं ना, बहुत लंबा सेशन नहीं हो पा रहा, तो छोटे छोटे हम सभी सारे सेशन रेगुलर लेंगे, ठीक है? हाँ, एक आध दो सेशन ऐसे हैं जो पब्लिकली रहेंगे, उसके बाद में फिर हम अपने क्लोज सर्किट में ही लेंगे। अरे वाह, सही बात नुपुर, फ्रेडरिक बार्टलेट, ये वाला फंडा उसी ने दिया था, बहुत बढ़िया, मजेदार। आपने पढ़ा नहीं ये चैप्टर इसलिए सेशन तो विल कवर। नहीं, मैं सेशन आपको वो डाल दूंगा, अभी बड़ा सारा रायता फैला हुआ है और उसके बीच में ये सारी चीज़ें, बट हाँ कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता बताऊँ तो मेरे को ये एक्सक्यूज देना नहीं चाहिए, बट आई जस्ट टेक ऑल दीज थिंग्स सिंगल हैंडेडली, एंड तो इंस्टीट्यूशन भी होता है, आपके सेशंस भी होते हैं, उसकी प्रिपरेशन भी होती है, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। आप परफेक्शन की कोशिश करते हैं पर सारी चीज़ें तो उस तरीके से नहीं हो पाती हैं, और कोशिश करनी ज़रूरी है, चाहे आपको इक्वालिटी और डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से अचीव करें या ना करें, बट फिर भी ऐसे नोबल कॉजेज के लिए कोशिश तो करते रहना चाहिए, फिर परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, मज़ेदार था, मुझे भी बड़ा मज़ा आया। मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से।